अनवांटेड हेयर यानी अनचाहे बाल महिलाओं की खास तौर से समाज में वो समस्या है कि जिसके लिए वो लेज़र कराते हैं, जिसके लिए वह थ्रेडिंग कराते हैं, जिसके लिए वह तमाम दवाएं लेते हैं, लेकिन वह निजात नहीं पा पाते हैं। और चेहरे को साफ और चमकता होने के बावजूद भी यह एक मेंटल स्ट्रेस दिमाग में बैठा रहता है कि हमारे एक हफ्ते 15 दिन बाद फिर चेहरे पे बाल आ जाएंगे। दवाओं का स्थान अपनी जगह है साथियों, लेकिन बहुत अच्छे घरेलू नुस्खे भी हैं जो आपको बहुत कम पैसे या मैं कहूँ बिना पैसे के लाभ दे देंगे। उसी श्रृंखला में आपके सामने आज है अनवांटेड हेयर का वीडियो, जो 2 से 3 महीने में आपके अनवांटेड हेयर को वापस निकलने की फ्रीक्वेंसी में बहुत कमी लाने में सक्षम है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे अनचाहे बालों की। अनचाहे बाल यानी अनवांटेड हेयर यानी हर्सुटिज्म, ये एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत लोग पीड़ित होते हैं। खास तौर से महिलाएं इससे अपने को ज़्यादा पीड़ित महसूस करती हैं क्योंकि वह इस समस्या से अपने को ज़्यादा इफेक्टेड देखती हैं। कहने का मतलब है पुरुषों में भी समस्या होती है, लेकिन पुरुष इस चीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो थोड़े शरीर पे बाल हैं और वो है तो, और उनकी एक कहते हैं कि मेल कैरेक्टर को और वो अपने रिप्रेजेंट मजबूत महसूस करते हैं। लेकिन महिलाओं में जब एंड्रोजेन हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण अनवांटेड हेयर आ जाते हैं तो आप परेशान हो जाती हैं, एक बड़ी समस्या हो जाती है, मेंटल टॉर्चर वाली समस्या हो जाती है। और परेशानी ये है कि इसका बहुत पक्का पूरा इलाज भी नहीं है। होम्योपैथी में दवाएं हैं, बहुत वक्त लेती हैं, और किसी पैथी में दवा नहीं है। आप लेज़र कराते हो, बाल वापस आ जाते हैं शरीर पे और आप परेशान होते हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के मैं ये महिलाओं को ये वीडियो एड्रेस करता हूँ और आपको ये कहता हूँ कि क्योंकि दवाओं में इसका पक्का समाधान नहीं है, होम्योपैथी में है, टाइम लेता है, वीडियो में लिंक नीचे पड़ा है, आप देख सकते हैं, दवाएं आती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा आप क्या करें। मान लीजिए दवा 1-2 साल में काम करती है, तब तक अगर आपके चेहरे पे बाल है तो आपके पास क्या विकल्प हैं। पहला विकल्प है थ्रेडिंग, दूसरा विकल्प है लेज़र। तो क्यों ना कोई ऐसी बात हो कि जो सामान आपके किचन में रखा है उसी से आपके अनवांटेड हेयर चले जाएं, और ऐसा संभव है। आज हम आपको बताएंगे एक बहुत अचूक घरेलू नुस्खा जो आप अपने घर में रखे हुए सामान या अरेंज करके वो सामान अपने घर पे आप उसका इस्तेमाल करके अनवांटेड हेयर को कुछ दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। और बहुत आसान नुस्खा है साथियों ये, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यह आपको बहुत बड़ी परेशानी से अनवांटेड हेयर का जो मेंटल टॉर्चर है उससे आपको आराम दे देगा। थोड़ा वक्त इसमें भी लगेगा, 2 से 3 महीने, लेकिन ये वर्क करेगा, बहुत लोगों में यह काम करा है। तो आज हम बताते हैं आपको एक ऐसा अचूक घरेलू नुस्खा, अद्भुत नुस्खा जो आपके अनचाहे बाल अनवांटेड हेयर हर्सुटिज्म को ठीक करने में मदद करेगा। तो हाजिर है आपके सामने एक अच्छा सा छोटा सा नुस्खा, लेकिन एक इफेक्टिव अर्थपूर्ण नुस्खा। और आपको इसके लिए साथियों कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक आलू लेना है, दो तीन आलू आप ले लीजिए, बिना उबले हुए कच्चे आलू। आलू हम सबके घर में होता है, आप आलू यानी पोटैटो लीजिए, उसके छिलके को उतार दीजिए। छिलके को उतारने के बाद आप उसको क्रश कर लीजिए, कूट लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। ये पेस्ट मिक्सर में नहीं बनेगा, ग्राइंडर में नहीं बनेगा, ये पेस्ट क्रश करके बनेगा। क्योंकि ग्राइंडर और मिक्सर की जो हीट होती है, जब आप कोई चीज़ को चलाते जो हीट जनरेट होती है, उससे आपका जो पेस्ट है वो बेकार हो जाएगा। तो आप उसको क्रश कर लीजिए, क्रश करने के बाद एक आप छलनी लीजिए, छलनी में उस पेस्ट को डाल के उसको और थोड़ा सा दबाइए और उसके जूस को निकाल लीजिए। आपको पोटैटो का जूस चाहिए, उस पोटैटो के जूस में
यानी कि जब आपका एक बाउल, एक छोटा बाउल कटोरी पोटैटो का जूस हो जाए, उसमें आप लेंटिल्स यानी चना दाल, चने की दाल को रात में भिगो दीजिए। उसी आलू का जो पानी निकला है, उसमें आप जो है जो पोटैटो का वाटर एक्सट्रैक्ट करा है, आपने जूस एक्सट्रैक्ट करा है, उस जूस में आप चने की दाल भिगो दीजिए। यहीं पे ट्रिक है साथियों, चने की दाल उसी पोटैटो जूस में इंक्लूड करी जाएगी। रात भर ओवरनाइट उसको रख दीजिए। सुबह आप अब उस चने की दाल को भी क्रश कर लीजिए और उसको एक बार और छान लीजिए। और उस चने की दाल का छानने के बाद, यानी अब आपके पास क्या हो गया, पोटैटो का जूस और चने की दाल का जूस, या उसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो उस पोटैटो जूस में आ जाएंगी। और इसमें साथियों आप डाल लीजिए एक चम्मच शहद डाल लें और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल लें। अब आपके पास चार चीजें हो गई, चने की दाल, सबसे पहले आपके पास पोटैटो का जूस हो गया, रॉ पोटैटो का जूस हो गया, दूसरा पॉइंट आपके पास चने की दाल का एक्सट्रैक्ट हो गया, तीसरा आपके पास हनी यानी शहद हो गया, और चौथा लेमन यानी लाइम हो गया। इन चारों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स करके साथियों, वो जो आपका फाइनल आउटकम तैयार हुआ है उसको आप चेहरे पे लगा लीजिए और आधा घंटा छोड़ दीजिए, और आधे घंटे बाद आप चेहरे को धो लीजिए। आप देखेंगी कि ऐसा यदि आप रोज करती हैं 2 से 3 महीने तक, तो आपके अनवांटेड हेयर की अक्रेंस बहुत खत्म हो जाएगी, या कहें बिल्कुल खत्म होने की संभावना पे आ जाएगी। तो अगर आपको अनवांटेड हेयर हैं, आप ये नुस्खा करें। मैं फिर आपको एक नटशेल में बता देता हूं। आप आप सबसे पहले पोटैटो का जूस लीजिए, रॉ पोटैटो का जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए उसको क्रश करके, उसमें आप थोड़ा चने की दाल को रात में ओवरनाइट भिगो दीजिए। सुबह आप उसको भी क्रश करके उसको एक बार प्योरीफाई कर लीजिए सीव या छलनी के द्वारा, उसमें आप शहद डाल दीजिए और नींबू डाल दीजिए, और इन चारों चीज़ों को मिला के आधा घंटा लगा लीजिए, और उसके बाद गुनगुने पानी से धो दीजिए अपने चेहरे को, हो सके तो रोज़ वाटर से धो दीजिए। आप देखेंगे साथियों कि आपके जो अनवांटेड हेयर हैं, खासतौर से चेहरे पे, क्योंकि चेहरा ही एक मेंटल टॉर्चर होता है, इसको आप पूरे शरीर पे इस लेप को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अनवांटेड हेयर जहां पर हैं वहां जाने में इससे मदद मिलेगी। बात छोटी थी है साथियों, लेकिन कारगर है। लेकिन अब एक पॉइंट और आता है, एक मुद्दा और आता है कि आखिर ये चार चीज़ें करेंगी क्यों काम, क्या इनमें एक ऐसी खास बात है कि चार चीज़ों का जो सल्यूशन है वह आपको इस अनवांटेड हेयर की बड़ी समस्या से निपटने में मदद करेगा। तो आज हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों, आखिर क्यों यह आपको फ़ायदा करेगा। साथियों, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज़ करा है वह है पोटैटो। पोटैटो जूस हाईली एसिडिक होता है। पोटैटो जूस में बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है और वो हाईली एसिडिक होता है। यह जो है अपने एसिडिक नेचर के कारण और पोटेशियम होने के कारण यह आपके अनवांटेड हेयर्स को खत्म करने में मदद करेगा। फिर एक इंग्रेडिएंट जो हम लोगों ने यूज करा है वह इसमें यूज करा है लेमन। लेमन साथियों इसलिए काम करेगा क्योंकि इसमें एक डी लाइमोसिन नाम की एंजाइम पाई जाती है जो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, और वह आपके अंदर का जो सेल्स के अंदर का इन्फ्लेमेशन है उसको कम करके आपके जो हेयर ग्रोथ की एक्टिविटी है उसको कम करने में हेल्प करेगी। और एक इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज़ करा है हनी यानी शहद। शहद साथियों हम सब जानते हैं कि शहद एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और शहद एक ऐसा कंपाउंड है साथियों जो ह्यूमन ब्लड के मेडिकल साइंस के अनुसार सबसे करीब होता है। जो रिजेम्बलेंस होती है हनी की और जो रिजेम्बलेंस है हम लोगों के खून की ह्यूमन ब्लड की, वह बहुत हद तक मिलती जुलती है। इस कारण यह हमारे बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को सही करेगा और आपकी जो एंड्रोजन हार्मोन्स की गड़बड़ी है उसको हेल्प करके आपको मदद करेगा।
इसके साथ में चने की दाल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, बहुत प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। इसका जो यह नेचर होता है, यह ही आपके अनवांटेड हेयर को ख़त्म करने में मदद करेगा। तो साथियों, नुस्खा घरेलू है, हिंदुस्तानी है, काम का है। अगर अनवांटेड हेयर की किन्हीं महिलाओं को शिकायत है, वो चेहरे पे बालों से, मूछे आने से, इन बातों से परेशान है, तो जो इलाज करना है वो करें, लेकिन आप इस घरेलू नुस्खे को करिए, 2 से 3 महीने तक करिए, धैर्य रख के करिएगा। अगर दवा करने में 3 साल में फ़ायदा होता है, तो अगर आप घरेलू नुस्खे में 3 महीना लगा देते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसका डिविडेंड है, उसका लाभ है, आप करें। मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। हो सकता है आपकी एक क्वेरी साथियों होगी ही, ये मैं समझता हूँ हो सकता है, क्या होगी ही, किसको किस वक्त लगाएं। सबसे अच्छा साथियों समय होता है, मैं समझता हूँ कि जब आप रेगुलरिटी से कर सकते हैं, वो शाम का होता है। सारे काम निपटा के आप इसको आप आधे घंटे के लिए लगा लें, पूरे चेहरे को न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, फिर आप सो जाएं, सुबह उठेंगे तो आपका चेहरा, स्किन भी बहुत मुलायम होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आप इसको करें और देखें ये काम करता है कि नहीं, और हमको बताएं। निवेदन करेंगे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आप यूं ही चमकते रहें, दमकते रहें, खुश रहें और अनवांटेड हेयर से आपको निजात मिले, इस कामना के साथ डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक आपको इतनी देर अपने साथ रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद देता है। धन्यवाद।